एक विशेष प्रोग्राम का आयोजन होने जा रहा है उत्तराखंड की धरती पे देहरादून के अंदर, जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर भी दर्ज होने जा रहा है, तो उसकी विशेष जानकारी देने के लिए हमारे बीच हैं मनोज गोरखेला सर। आप सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन देंगे और बताएंगे क्या प्रोग्राम है। एक्चुअली सबसे भारत में ये वर्ल्ड की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है, हम लोग इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फेस्टिवल कर रहे हैं, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फेस्टिवल 25 नवंबर को देहरादून में, और इस दिन भारत में वर्ल्ड की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 1000 मॉन्क पूरी दुनिया से आ रहे हैं, 1000 मॉन्क्स इस प्रोग्राम को अटेंड करेंगे और 1000 कॉन्स्टिट्यूशन की किताबें बांटी जाएंगी पूरे प्रोग्राम में, और 1000 बुद्धा के स्टैचू दिए जाएंगे लोगों को, वो बांटे जाएंगे, और 1000 इस देश में बुद्धा एंड धम्मा की जो किताब है हिंदी में वो बांटी जाएगी, और 1000 संविधान की किताबें बांटी जाएंगी जिसमें कि हिंदी में संविधान काव्य करके संविधान लिखा हुआ है वो प्रोग्राम में बांटा जाएगा। और ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम रजिस्टर कर दिया गया है। अब रही बात, और गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड बन चुका है ऑलरेडी, उनकी टीम जो है 25 तारीख को आ रही है प्रोग्राम में, और इसी दिन लोग जनरली आते हैं प्रोग्राम में, शादी में पार्टिसिपेट करते हैं और चले जाते हैं जनरली। तो हमने इस पर प्रोग्राम क्या कर रखा है कि जब इस देश के एक डिप्टी एडवोकेट जनरल की मैरिज जो है बुद्धिस्ट मैरिज होगी, और ये बुद्धिस्ट मैरिज है, मेरी खुद की मैरिज है बुद्धिस्ट मैरिज, और मैंने डिसाइड करा कि इस मैरिज को वर्ल्ड में हिस्टोरिकल मैरिज बनाया जाए, भगवान बुद्ध के मैसेज को पूरी दुनिया तक दिया जाए, इसलिए ये भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फेस्टिवल के रूप में मनाया जा रहा है, और वर्ल्ड की पहली मैरिज है ये, दुनिया की पहली मैरिज, इसमें 1000 मॉन्क पूरी दुनिया से आ रहे हैं इस प्रोग्राम में, और इसमें उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर रहेंगे, पूरे VVIP पूरी दुनिया से, दुबई से, जापान से, कोरिया से, काफ़ी कंट्री से लोग आ रहे हैं इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, और इस प्रोग्राम में भारत से भारत सरकार के यूनियन मिनिस्टर थावरचंद गहलोत जी चीफ गेस्ट रहेंगे इसमें। इसमें हम कई सारे इंटरनेशनल पीस एंड जस्टिस अवार्ड भी दे रहे हैं, जिसमें जो एनिमल के लिए जिन्होंने काम किया, मेनका गांधी मैम है यूनियन मिनिस्टर, उनको अवार्ड दे रहे हैं, काफ़ी लोगों को अवार्ड दे रहे हैं जिन्होंने वर्ल्ड में बहुत काम किया है, और ख़ास तौर से संविधान दिवस आपने सुना होगा, कई लोग मनाते हैं संविधान दिवस, इस बार देहरादून में 25 नवंबर को रात में सुबह 9 बजे से प्रोग्राम चालू होगा, और रात के 12:01 पे 70 किलो का केक काट के संविधान दिवस मनाया जा रहा है, जिसको वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर उस केक को काट के संविधान दिवस मनाएंगे। इस प्रोग्राम में हर वर्ग, हर जाति, हर व्यक्ति वर्ग का, हर जाति, हर धर्म का व्यक्ति इन्वाइटेड है इस प्रोग्राम में, और आप लोग भी, जितने भी लोग इस देश के बुद्धिस्ट हैं, और जो लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, और जो लोग बुद्धिस्ट हैं, नॉन बुद्धिस्ट हैं, अंबेडकराइट हैं, उन लोगों को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि ये देहरादून में साक्या मैदान है मसूरी रोड पे, और जिसका साक्या मैदान मसूरी रोड पे है, और ये मसूरी जो रोड है वहाँ पर आप काशी का स्कूल है, वो बुद्धिस्ट स्कूल है, ये धरती भी बुद्धिस्ट धरती है, और पहली बार उत्तराखंड की धरती में इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, और पहली बार इतनी बड़ी बुद्धिस्ट मैरिज हो रही है पूरे वर्ल्ड में, आप लोग ज़रूर आइएगा। और जो लोग ये दिल्ली से मुश्किल से 4-4.5 घंटे का कार से ड्राइव है, और फ्लाइट से मुश्किल से 30 मिनट का ड्राइव है, 1500 रुपये फ्लाइट का टिकट है, आप लोग पूरे, जितने भी लोग बुद्धिस्ट लोग हैं, जितने भी मॉन्क्स हैं, उनको मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ इस मीडिया के माध्यम से, और जैसे ही, और ये प्रोग्राम जो है, ये प्रोग्राम मेरा प्रोग्राम नहीं है, ये आपका प्रोग्राम है, और मैंने खुद ही प्रोग्राम कर रहा हूँ, अपनी खुद लैंड है मेरी पहाड़ों में, उस लैंड को सेल करके प्रोग्राम कर रहा हूँ। जो भी व्यक्ति इस प्रोग्राम को और अच्छा बनाने के लिए कोई चीवर दान करना चाहता है, कोई डोनेशन करना चाहता है, कोई बुद्धा की स्टैचू दान करना चाहता है, तो उसका सादर आमंत्रण है, उसको खास तौर से आमंत्रित कर रहा हूँ मैं, और आप सब लोग प्रोग्राम में आइए, और जो लोग प्रोग्राम में अफोर्ड्स कर सकते हैं होटल वो ठीक है, जो लोग अफोर्ड्स नहीं कर सकते, बहुत गरीब हैं, उन लोगों के लिए हमने, जो मॉन्क्स हैं उन लोगों के लिए हमने रहने का अरेंजमेंट किया है, वहाँ पर कुछ लोगों के लिए डॉर्मेटरी करी है, वहाँ पर रहने का अरेंजमेंट किया है, आप लोग सब आमंत्रित हैं, मेरा प्रोग्राम नहीं आपका प्रोग्राम है, ये मैरिज वर्ल्ड की पहली मैरिज है जिसमें इतने सारे मॉन्क आ रहे हैं, और ऑलरेडी जो है आपका जो गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये रजिस्टर्ड हो चुका है, गिनीज बुक के लोग भी वहाँ पर आ रहे हैं, काफ़ी लोग उस प्रोग्राम में आ रहे हैं, तो ये प्रोग्राम वर्ल्ड का सबसे बड़ा हिस्टोरिकल प्रोग्राम है, भगवान बुद्ध का प्रोग्राम है। और रही बात शादी की, बात है मैरिज की, बात है, जनरली लोग शादी में लोगों को बुलाते हैं, खाना खा के चले जाते हैं, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन इस तरह से मैरिज करके एक तो संविधान 1000 लोगों तक पहुंच जाएगा, नंबर वन, दूसरा बुद्धा एंड धम्मा की जो हिंदी में किताब है वो लाखों हज़ारों लोगों के पास पहुँच जाएगी, दो
तीसरी चीज जो स्टैचू है जो भगवान बुद्ध की, वो लोगों तक पहुंचेगी तो गांव में एक अलग सी जो है एक अलग सा माहौल बनेगा, एक अलग से लोग जो है उनको मानेंगे, बुद्ध के बारे में जानेंगे। और हर वर्ग हर जाति के व्यक्ति को बुलाया गया है क्योंकि संविधान सबका है और संविधान सबको मानना चाहिए। 125 करोड़ लोग पहले मेंबर हैं भारत के संविधान के, बाद में वो इंजीनियर डॉक्टर आईएएस मिनिस्टर बाद में हैं वो, तो इसलिए आप सबको मैं मैसेज दे रहा हूं। और खास तौर से 25 इस प्रोग्राम के अंदर लगभग कितने लोग आने, मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम 8 से 10 हज़ार लोगों के आने की संभावना है, लेकिन अब 2000 आए, 5000 आए, 3000 आए वो तो सिचुएशन बताएगी कितने लोग आएंगे वहाँ पर, क्या प्रोग्राम होगा। और लेकिन 1000 मॉन्क इस प्रोग्राम में हमने स्पेशली इन्वाइट कर रखे और इस प्रोग्राम में 25 तारीख को रात के 12:01 पर जब ये प्रोग्राम ख़त्म होगा उसके बाद जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजर हैं, जितने भी लोग हैं, वो लोग सब दिल्ली आएंगे क्योंकि 26 तारीख को दिल्ली में ताल कटोरा में बहुत बड़ा विशाल प्रोग्राम रखा गया है जो केपी चौधरी जी हमारे जो केपी चौधरी जी के नेतृत्व में ये प्रोग्राम रखा गया, तो वो प्रोग्राम में भी आप लोग आमंत्रित हैं।